लुधियाना दे विच स्नैचिंग दीआं वारदातां लगातार वधदीआं जा रहीआं ने ते उधर पुलिस दे वल्लों इस ते पूरी नज़र रखी जा रही है अते कारवाई भी की जा रही है। इसे तहत लुधियाना दी ADCP 1 प्रज्ञा जैन दे वल्लों आ जानकारी दिंदिआं दस्सिआ गिआ कि वख-वख थावां तों स्नैचिंग दीआं घटनावां नूं अंजाम देण वाले चार व्यक्तियों नूं काबू कीता है, जिन्हां दे कोल मोबाइल अते चोरी कीते वाहन बरामद होए ने। उन्हां दस्सिआ कि पिछले 5 दिनां दे विच उन्हां ने 8 व्यक्तियों नूं काबू कीता है, जिन्हां दे कोलों चोरी कीता समान ते स्नैचिंग कीता समान काबू कीता गिआ। उन्हां दा कहना है कि इन्हां ने नशे दी पूर्ति दे लई अजिहे कदम चुके ने, सो आरोपियों के खिलाफ अगली कार्रवाई की जा रही है। CP लुधियाना श्री राकेश अग्रवाल और जॉइंट CPCT श्री दीपक पारेख, उन्होंने दिशा निर्देशों अनुसार आपां पिछले 15 दिनों चो एक स्पेशल एंटी स्नैचिंग ड्राइव चलाया हुआ सीगा साडे जोन 1 च, जिहदे विच आपां ह्यूज रिकवरीज इहदे विच कीती है ते स्नैचर्स नूं आपां फड़िया है। पिछले 5 दिनों च ही आपां 8 बंदे फड़े हैं ते इन्हां चो आपां 46 मोबाइल्स रिकवर किए हैं ते 4 व्हीकल्स भी इन्हां तो रिकवर हुए हैं। इन सारे के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे काफ़ी दर्ज ने, 17 तो वध इन्हां दे खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इहदे विच मैं स्पेशल मैनशन करना चाहूँगी अपने ACP सेंट्रल वरियाम और ACP नॉर्थ गुरबिंदर और जो सारे SHOs हैं, SHO 1 हरजीत, SHO 2 पाल और SHO दरेसी, SHO जोधेवाल, ऑल द मेंबर्स ऑफ जोन 1 जिन्होंने पिछले 15 दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक के बाद एक फॉरवर्ड लिंकेजेस जोड़ते हुए इनके अकॉम्प्लिसेस को भी पकड़ा और ह्यूज रिकवरीज की। 15 दिनों में पिछले हम अब तक 67 मोबाइल्स हम रिकवर कर चुके हैं और 28 बंदे हम पकड़ चुके हैं, 17 मोटरसाइकिल्स भी इसमें रिकवर हुई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन अक्यूज के रिकवरी से हमारे 75 से ज़्यादा जो इंसिडेंट्स हैं वो ट्रेस हुए हैं और इन्होंने ये माना है कि हाँ हमने ये वारदातें की हैं। तो सारे जो इंसिडेंट्स हैं उनके बैकवर्ड लिंकेजेस प्रूव करते हुए उन सारी जो FIRs ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना लाइव ले संजय सेतिया ते हरविंदर ढिल्लों की रिपोर्ट।